नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, इस समय हमारे साथ में यूपी उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले से समाज सेवक, जो कि यहां मुंबई वसई में केजीएन ग्रुप से जुड़े हुए हैं, केजीएन ग्रुप के मेंबर हैं शकील खान, ये जुड़े हुए हैं। ये अभी अपने पैतृक गांव, जैसे मैंने अभी बताया, वहां पे गए हुए हैं। वहां के कुछ ऐसे घोटाले हैं जो आज ये अभी फोन लाइन पर हमसे बात करते हुए वो उजागर करने वाले हैं। तो अगली मैं बातचीत शुरू करना चाहूंगा, आप सुनिए शकील भाई को। शकील भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शकील भाई, आप इस समय कहाँ हैं? अपना परिचय पूरा जरा दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम शकील खान है। मैं यहाँ पे इस वक्त संत कबीर नगर जिला है और तहसील और थाना दनघट्टा पड़ता है और डीहवा जो है गांव का नाम है। आप वसई में कई वर्षों से रहते हैं, वसई में ही आपका बिजनेस है और यहाँ सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं। बराबर, हमारा एक संस्था है केजीएन सोशल वेलफेयर एसोसिएशन, मैं उसका संगठक हूँ, शकील खान। आज आप वहां से आपने कांटेक्ट किया, क्या विषय है आपके गांव का, क्या इशू है उसको आप उजागर करना चाहते हैं, क्या घोटाला है बताइए। एक घोटाला ऐसा है कि एक अनर्गल पट्टा हुआ है 1992 में। वो पट्टा ऐसा है कि जो बच्चे हैं जिनके नाम पे हुआ है वो नाबालिग है, और पट्टा जो है ना 18 साल के ऊपर के लोगों का होता है जो उसके जरूरतमंद होते हैं। और उनके फादर का नाम है खान मोहित नाम है फादर का, और बच्चों का नाम, हाँ बच्चों का नाम है नदीम, नसीम और करीम, जिनकी उम्र जो है। शकील भाई, मैं आपको अभी बीच में रोकना चाहूंगा। ये जो पट्टा हुआ जमीन का, ये पट्टा किस योजना के अंतर्गत हुआ, ये कौन सी जमीन है, इसके बारे में बताइए। जमीन क्या शासकीय है, सरकारी है या किसी की प्राइवेट है, ये क्या, इस पे ऑब्जेक्शन क्या है? हाँ, एक्चुअली ये शासकीय जमीन है, यानी ग्राम प्रधान के अंदर आती है। और ये जो भूमिहीन होते हैं ना, जिनके पास भूमि नहीं होती है, खेती के लिए जमीन नहीं होती है, रहने के लिए घर नहीं होता है, उनके लिए जो है ना ये एक मतलब प्रधान और यहाँ पे जो शासन है और गवर्नमेंट जो है वो ऐसे लोगों को जो है ना ये जमीन जो है ना मुहैया कराती है। अच्छा, कितने एरिया है जमीन, कितना बड़ा लैंड है ये? करीब 170 बिस्सा है, यानी बॉम्बे में इसको गुंटा में बोलते हैं, 180 गुंटा हुआ, और 8 बीघा के आसपास, 8.5 बीघा आसपास की प्रॉपर्टी है। तो आपका ऐसा आरोप है कि 8.5 बीघा की प्रॉपर्टी जो है जिन लोगों को हस्तांतरित की गई, ये कहकर कि इनको आवश्यकता है और सरकारी जमीन को हस्तांतरित किया गया जी, वो लोग उसके पात्र नहीं है, आपका पहला आरोप ये है। हाँ। जैसे कि किस सन में आपने बोला था, एक बार फिर से? 1992 ये। हाँ। उनके नाम पे पट्टा हुआ है, वो भी जो है बगैर प्रधान की जानकारी के, जो प्रधान थे ना वो ऑफ हो गए है। इसहाक नाम था, इसहाक बाबा बोलते थे उनको, इसहाक प्रधान के टाइम पे पट्टा हुआ है, उनकी जानकारी में था नहीं। और इन्होंने इस पट्टे को जब इस पे अपने कब्जे में लिया तो उसको करीब जो है ना 10-15 साल के बाद करीब उन्होंने इस पट्टे को कब्जे में लाए, ताकि जो है ना लोगों को नहीं मालूम पड़े कि ऐसा कुछ पट्टा हुआ था। 1992 की आप बात बोल रहे हैं, यानी कि 30 साल पहले की बात, 30 साल पहले उस समय, जैसा कि आपने आरोप लगाया कि उसमें 30 साल पहले जो लोग जिनके नाम पे पट्टा हुआ था वो तब नाबालिग थे, कोई 3 साल का, कोई 5 साल का, और इस तरह से 10 साल के थे, जो आज बालिग है और करीब, तो आज वो लोग कहाँ है, उस जमीन का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? एक उनके एक लड़के जो है ना, एक तो बॉम्बे में, दो लड़के बॉम्बे में रहते हैं, और इधर एक वक्त जो छोटा लड़का है वो गांव में है, और फादर जो है वो खेती करते हैं, उनके जमीन है, उनके पास काफी है, और बाकी का समझ लीजिए कि कोई ऐसा भूमिहीन नहीं है, गाड़ी है उनके पास, घर है अच्छा खासा, 4-व्हीलर है, सब कुछ है, जो मतलब एक किसान के पास जो है ना, यहाँ पे जो पिछड़ा गांव है उनके हिसाब से वो काफी अहमियत रखता है जी।
30 साल पहले की ये जो है घटना है उस पर इतने सालों में क्यों शिकायत नहीं हुई या घोटाला ऐसा था अगर तो इतने सालों में साल, तो उसका आवाज नहीं उठा। 10 साल तक करीब 12 साल जो है ना इन्होंने इसको छुपा के रखा है और 2018 में जो है ना इसको जो है ना हम जब हमारे चचा वगैरह केस किए थे ना तो ये पट्टा निरस्त हो गया था ठीक है। और उसके बाद ये जो है ऊपर की मतलब ऊपर जाके इन्होंने कुछ इसको जो है जो भी हिसाब से उन्होंने सेटिंग करके क्या हुआ मैनेज करके इन्होंने ऊपर से जो है इसको पट्टे को बहाल करा लिया। इसके लिए कौन कौन जिम्मेदार है और अधिकारी कर्मचारी उसमें गवर्नमेंट की भी लापरवाही है प्रधान तो जो है समझ लीजिए उनको तो मालूम ही नहीं पड़ा इस तरीके का सारे लोगों की लापरवाही एक तरह की जो है ये चीटिंग हुई है गवर्नमेंट के साथ में घोटाला बोलते हैं इसको ये बॉम्बे में बॉम्बे के भाषा में इसको बोलते हैं भू माफिया। इतने सालों में इतने और सरकारें आई रहेगी गई रहेगी प्रधान आएंगे किन्हीं की भी नजर में ये घटना नहीं आई। घटना आई थी बताया ना 2018 में ये निरस्त हो गया था लेकिन होता क्या है सुस्त है प्रशासन जो है ना यहाँ पे सुस्त है ऐसी सब चीजों पे नजर नहीं रखता है क्योंकि इस पे कोई हाईलाइट करता नहीं है। और दूसरा क्या हो रहा है कि गांव में जो लोग हैं ये थोड़े से पढ़े लिखे नहीं है पिछड़ा गांव है ठीक है इस तरीके की दिक्कत आ रही है इसीलिए तो मुझे आप जैसे प्लेटफॉर्म का जो है ना इस्तेमाल करना पड़ रहा है सहारा लेना पड़ रहा है। गवर्नमेंट चाहे अगर गवर्नमेंट तक एक बात पहुंच जावे ये और अच्छे अधिकारियों के बीच में बात पहुंच जावे तो मेरे ख्याल से दो तीन इसमें जो है ना 2-3 हफ्ते में निरस्त हो जावे पत्र खारिज हो जावे कैंसिल हो जावे। जैसा आप बोल रहे हैं ठीक है कि आपने जो सब बात बताई अभी ये जो 3 बंदे हैं जिनके नाम पर ये जगह हुई है उस समय तो वो बच्चे थे जी तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने तो नहीं किया उनके बिहाफ पे बाप ने उनके बिहाफ पे हाँ तो उनका उनका बैकग्राउंड क्या है और उनकी क्या वो कहाँ पे है उनकी क्या परिस्थिति है। नहीं गांव में ही रहते हैं उनके फादर वगैरह पहले जो है एक और गलती किए थे उन्होंने कि उनके फादर जो है ना पोस्टमैन के लिए जो है ना एक 8वीं की पढ़ाई किए थे और 8वीं की पढ़ाई की जगह पे उन्होंने 10वीं की मार्कशीट लगा के और पोस्टमैन ही जो होती है उसकी उन्होंने एक पोस्टमैन ही बहाल किया था लेकिन जब लोगों ने उससे जो मतलब उस टाइम के जो और भी क्वालिफाइड लोग थे जो 10वीं हकीकत में किए हुए थे तो उन्होंने जो है ना इस पे ऑब्जेक्शन लिया तो इनकी जो है ना ये पोस्टमैन ही जो थी यहाँ पे चली गई मतलब रद्द हो गई। तो इस तरीके का वो काम करते रहते हैं वो उनका मतलब कोई ऐसा ये नहीं है इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो मतलब आपका ये सीधा सीधा कहना है कि ऐसे हालात है कि जो जो भी जिन्होंने ये किया है उन्होंने सरकार को सिर्फ ये जमीन के मामले में अंधेरे में नहीं रखा नौकरी के मामले में भी अंधेरे में रखा और उन्होंने गलत तथ्यों के आधार पर नौकरी हासिल की। हाँ वो हासिल किया था उन्होंने ज्यादा टाइम तो नहीं हो पाया क्योंकि उस टाइम पे 2-3 तो उन्होंने जो है वो खुद जब मतलब वो क्वालिफाइड थे और नहीं उनको मिला तो उन्होंने ही कंप्लेन किया तो उनको 2-5 साल में जो है वो जॉब उनका चला गया पोस्ट महीने का। नहीं लेकिन जब उनको नौकरी नहीं नहीं कुछ नहीं इधर सर कुछ ऐसा होता नहीं ये एमपी है कुछ नहीं होता। अभी ये जो है ये जो घोटाला है एक तरह का जो ये है ना गवर्नमेंट के साथ में जो चीटिंग हुई है वो अभी भी ये निरस्त हो जावे तो वो बड़ी बात है कार्रवाई की तो बहुत दूर की बात है सर। मतलब आप ये बोल रहे हो सीधा सीधा कि जो आपराधिक लोग हैं उनको आप पुरानी पिछली सरकार है वो चाहे अभी की सरकार हो हाँ, वो उनके मतलब मददगार रही है कुछ नहीं सर वो होता क्या है ये जो ऐसे छोटे मोटे उनके नजर में ये सब छोटे मोटे केस है ना लेकिन ये छोटे मोटे के चक्कर में 180 बीघा जमीन जो है ना सर इनकी हो जाएगी ठीक है सर। अब ये एक छोटा सा केस समझ के 180 बीघा की भूमि जो है ना कि जरूरतमंद तक नहीं पहुंचेगी ये ऐसे लोग जो है ना उसको जो है ना अपना कब्जा कर लेंगे। तो आपके गांव में ये सर मैं एक्चुअली रहता हूँ बॉम्बे में अब आते थोड़ा टाइम पे अब होता क्या है कि वो थोड़े टाइम के लिए आते हैं सोचते हैं लोगों के बीच में अपना जो है ना प्यार मोहब्बत से रह के चले जावे। अब लेकिन क्या है कि इससे दिक्कत ये हो रही है कि जो हमारे चचा उचे ही उसमें उलझे हुए अब वो लोग भी जो है ना जब बात करो तो हमेशा जो है इसको लेके परेशान रहते हैं
मजबूरन जो है ना, मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं ये मेरी कोशिश के हिसाब से मैंने आपको कॉन्टेक्ट किया मैंने। अच्छा, अभी आपकी सरकार से या वहाँ के प्रशासन से क्या मांग है आपकी, क्या जल्द से जल्द इस पट्टे को निरस्त कर दिया जाए, और वो भी चाहिए तो इंक्वायरी कर लिया सरकार, यहाँ के कर्मचारी जो भी इससे रिलेटेड लोग हैं, जो भी यहाँ इस जमीन के इस बंजर भूमि से जो भी रिलेटेड लोग है, कर्मचारी है, अधिकारी है या यहाँ की सरकार है, इसको चाहिए तो इंक्वायरी करवा लेवे, गांव में पूछ लेवे, लोगों के पास जाके किसी एक शख्स भी यहाँ पे अगर बोल देवे कि ये आदमी इसके जरूरतमंद है इनके लिए, या इन्होंने गलत नहीं किया है, तो फिर उसको दे दिया जाए। मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरा उनका कोई जाति दुश्मनी नहीं है, वो हमारे खानदान के ही है, लेकिन गलत है तो गलत है, ठीक है। अब उन्होंने गलत किया है इसलिए गलत बोलना पड़ रहा है। नहीं नहीं, वो ठीक नहीं, ये बात अलग है कि उनको जरूरत है और उनको अगर पट्टा फिर से बहाल किया जाता है तो वो चीज एक अलग है विषय, लेकिन जो झूठ बोलकर गलत बोलकर लिया गया था, जो पात्र नहीं था, तीन साल के बच्चे को, 5 साल के बच्चे को या 10 साल के बच्चे को, जो उनका डेट ऑफ बर्थ डेट बैकिंग करके लिया गया। कुछ नहीं सर, वो सब इधर नहीं चलता है, बैग वगैरह नहीं किए रहेंगे, वो लोग ऐसे ही लिखवा दिया, और कर्मचारी जो उस टाइम के थे वो इस टाइम उस टाइम मार के उसको आगे बढ़ा दिए। कुछ नहीं, यहाँ पे बैग डेट भी करने की जरूरत क्या है, मेरे पास परिवार नकल रजिस्टर नकल है, मैं आपको भेज देता हूँ, आप उस पर चेक कर लीजिएगा। 81 बड़े लड़के की पैदाइश है, 82 की और 85 की और 89 की, अब आप जोड़ लीजिए 92 तक, ये दोनों जन की उम्र की मतलब कितनी हुई, यानी 82 से लेके 92 10 साल हुआ, और 85 से 92 वो जोड़ लीजिए, और 89 से 92 जोड़ लीजिए, 89 से 3 साल हुआ, तो 3 साल में सर बच्चा जो है ना चल नहीं बराबर पाता है, और ये लोग जो है ना इस तरीके का मतलब ये बोलते ना, ये बहुत बड़ा एक तरीके का जो है ना ये रहा है, मतलब दादागिरी बोलते ना इस तरीके का, बहु या ये इस तरीके का यूपी में जो अभी शब्द होता है कि मतलब किसी भी एंगल से हम देख लेंगे आगे जो भी होगा, पैसे के बल पे। ठीक है शकील भाई, आपने जो ये खुलासा किया, आपकी कोशिश यही रहेगी कि शासन को जगाया जाए, और कहीं ना कहीं अगर ये वास्तव में गलत है, हम ये नहीं बोलते कि गलत, मैं खास करके ये नहीं कहना चाहूंगा कि गलत ही है, लेकिन कम से कम जांच का विषय तो है, अगर सवाल उठ रहे तो। मैं तो सर इधर, मैं इधर तो सर रहता हूँ, मैं उससे खुद रिलेटेड हूँ, 100% सर गलत है, और इंक्वायरी कर लिया जाए तो 2 दिन में, 2 हफ्ते में इस पट्टे को निरस्त कर देगी यहाँ की कर्मचारी, और जांच होने के बाद ही क्या सही क्या गलत का फैसला सरकार कर पाएगी या शासन कर पाएगा, और जांच में अगर सही से जांच होगी, जिस तरीके से जांच होनी चाहिए उस तरीके से जांच होगी तो उसका रिजल्ट भी आएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए जी, और हमसे संपर्क करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम अलैकुम, नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद सर। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।